मम्मी का मैजिक। 1962 में जब अमेरिकन एस्ट्रोनॉट जॉन ग्लेन स्पेस में खाना खाने वाले पहले इंसान बने तो पता है उनके मेन्यू में क्या था? बताइए, एप्पल सॉस। अब दुनिया भर के फूड्स में से एप्पल सॉस ही क्यों? वो इसलिए क्योंकि एप्पल सॉस यानी प्यूरीड एप्पल्स फर्स्ट ऑफ ऑल हफ्तों तक खराब नहीं होते और फिर उसमें भरपूर होती है एप्पल्स की अनगिनत खूबियां। बट थैंकफुली एप्पल सॉस बनाने के लिए हमें स्पेस नहीं जाना पड़ेगा, हम उसे इसी वक्त बना सकते हैं हमारे किचन में विद सम मम्मी का मैजिक। तो चलिए बनाते हैं एप्पल सॉस टोस्टीज। सबसे पहले आप लीजिए एक पैन, उसे थोड़ी देर गर्म होने दीजिए गैस पर और फिर हम उसमें डालेंगे थोड़ा सा बटर। तो एप्पल सॉस बना रहे हैं तो नेचुरली एप्पल्स के साथ बनेंगे। एप्पल्स को आप अच्छी तरह से चॉप कर लीजिए, बारीक चॉप कर लीजिए। मैंने पहले से ही चॉप करके रखा है और जब आप पहले से चॉप करके रखते हैं उसमें आप नींबू का जूस डाल दीजिए ताकि एप्पल्स काले ना पड़े। अब इसमें आप डालिए थोड़ा सा बटर, हल्का सा बटर गर्म हो जाए, आप चाहें तो एक डैश ऑफ ऑयल डाल दीजिए क्योंकि जब भी हम बटर यूज़ करते हैं अगर थोड़ा सा उसमें तेल डाल दें तो बटर जलेगा नहीं। Okay. अब इसमें हम डाल देंगे बारीक कटे हुए एप्पल्स। Okay. थोड़ी देर सॉटे करेंगे, एप्पल थोड़ा अपना पानी भी छोड़ेगा, डोंट वरी, वो जैसे जैसे हम सॉस बनाने लगेंगे वो उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करने में हेल्प करेगा। अब इसे करीब 4 से 5 मिनट के लिए आप मीडियम हीट में पकने दीजिए। जैसे ही एप्पल्स थोड़े सॉफ्ट हो जाएं और उसका कलर थोड़ा वो लूज करने लगे तब इसमें हम डाल देंगे चीनी। ओके, देखिए ये एप्पल्स अपना कलर थोड़ा थोड़ा छोड़ रहे हैं, बस थोड़ी देर और, जैसे ये थोड़े सॉफ्ट हो जाए इसमें हम चीनी डाल देंगे। थोड़ी देर और बची है इसको एप्पल्स को पकने के लिए, तब तक हम कुछ और करते हैं। हम लेंगे ब्रेड स्लाइसेस एंड आई एम यूजिंग ब्राउन ब्रेड टुडे, ज़्यादा हेल्दी होता है। और आप लीजिए कोई भी शेप का कुकी कटर, मार्केट में अलग अलग किस्म के मिलते हैं, अलग अलग शेप्स के मिलते हैं। फिलहाल मैं यूज़ करूँगी एक हार्ट शेप्ड कुकी कटर। ओके, साथ साथ में आप एप्पल्स का भी ध्यान रखिए, आप नहीं चाहते कि वो जल जाए। और अब एक और स्लाइस लीजिए और चाहें तो एक और हार्ट शेप कर सकते हैं या फिर कोई और शेप में भी काट सकते हैं। एक्चुअली ये एक अच्छा तरीका है बच्चों को शेप्स सिखाने का भी। तो आप अलग अलग शेप्स के टोस्टीज बनाइए एंड देन उनकी क्लास लीजिए। ओके, तो एक हार्ट शेप रेडी है, एक सर्कल रेडी है एंड एप्पल सॉस इज ऑलमोस्ट गेटिंग रेडी, थोड़ी सी देर और। अब इनके दोनों तरफ आप थोड़ा सा बटर लगा दीजिए, अब दूसरे तवे को ऑन कीजिए और उसे थोड़ी देर टोस्ट होने देंगे। ओके, इसे इसमें डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा चीनी एंड इसे एक बार फिर से मिक्स कर लेते हैं। अब चीनी मेल्ट होने लगेगी और जैसे ही मेल्ट होगी वो कैरामलाइज हो जाएगी। अगर आप इसे और भी मीठा बनाना चाहते हैं तो आप अंदाज अनुसार चीनी और भी डाल सकते हैं। देखिए चीनी मेल्ट होनी शुरू हो गई है। अब इसमें हम डाल देते हैं करीब 1 या 2 टीस्पून फ्रेश क्रीम। राइट, फिर से इसे मिक्स कर लीजिए। ओके, चलिए अब गैस बंद कर दीजिए, एप्पल सॉस तैयार है, दूसरी तरफ टोस्टीज भी तैयार हो रहे हैं। इन टोस्टीज को निकाल लीजिए, दिस कैन वेट फॉर अ सेकेंड। अब हम क्या करेंगे, अब हम चॉप करेंगे थोड़े से एप्रिकॉट्स और थोड़े से टोफू। अब टोफू के बदले में आप चाहें तो पनीर भी यूज़ कर सकते हैं, पर आई प्रेफर टोफू बिकॉज एक तो लो फैट होता है, नॉट दैट बच्चों को फ़र्क पड़ता है, पर अगर हमें खाने का मन किया तो। करेक्ट, बारीक चॉप कर लीजिए आप टोफू को।
टोफू सोया मिल्क से बना होता है एंड इज अ रिच रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन. के टोफू कट गया है, अब आप काट लीजिए थोड़े से एप्रिकॉट. एप्रिकॉट्स भी बहुत हेल्दी होते हैं, इनफैक्ट चाइना में तो इन्हें यूज किया जाता है अपने बॉडी को डिटॉक्सिफाई करने के लिए. तो चलिए हम भी कर लेते हैं अपने बॉडीज को थोड़ा सा डिटॉक्सिफाई. चलिए अब ये चॉप टोफू को हम डाल देते हैं हमारे एप्पल सॉस में और इसी तरह से चॉप्ड एप्रिकॉट्स भी डाल देते हैं. नाइस कॉम्बिनेशन ऑफ व्हाइट एंड ऑरेंज. इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए ताकि जो एप्पल सॉस का टेस्ट है, जो फ्लेवर है, वो टोफू और एप्रिकॉट्स में चले जाए. टोफू को अलग से पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आप इसे रॉ भी खा सकते हैं. ये तैयार हो गया, अब लीजिए आपके टोस्टीज. उसमें हम लगाएंगे थोड़ा सा पीनट बटर. आप चाहें तो अगर आपके बच्चे को जैम पसंद है आप जैम भी यूज़ कर सकते हैं. अब आप इसे आपके टोस्टी ब्रेड पे डालिए. एंड अब दूसरे में भी इसी तरह डाल दीजिए. एंड हियर द एप्पल टोफू टोस्टीज आर रेडी. आप इसे ब्रेकफास्ट या फिर स्नैक में भी सर्व कर सकते हैं. मैं यूजुअली इसे ब्रेकफास्ट पे सर्व करना पसंद करती हूँ. अब देखिए ना, इसमें ब्रेड है जो देता है आपको कार्बोहाइड्रेट्स, टोफू है जो देता है प्रोटीन्स और एप्पल यानी कि फ्रूट देता है आपको विटामिन्स, आयरन, मिनरल्स. तो है ना कंप्लीट मील. चलिए देखते हैं इसका एक क्विक रिकैप. एप्पल सॉस टोस्टीज व टोफू बनाने के लिए एक गर्म पैन में एक बड़ा चम्मच मक्खन, एक बारीक कटा सेब डालकर 4 से 5 मिनट पका लें. फिर इसमें 4 छोटे चम्मच चीनी डालें और चीनी घुलने तक चलाते रहें. अब 4 बड़े चम्मच बारीक कटे टोफू और 2 बड़े चम्मच बारीक कटे एप्रिकॉट्स डालकर मिला लें. टोस्टीज बनाने के लिए ब्रेड स्लाइस को कुकी कटर से काटकर दोनों साइड से मक्खन लगा लें. फिर गर्म पैन में ब्रेड को दोनों साइड से टोस्ट करके सर्विंग प्लेट में निकाल लें. ऊपर से तैयार एप्पल टोफू के मिक्सचर को डालें और सर्व करें. मम्मी का यम्मी मैजिक यूं ही चलता रहेगा हमारे अगले रेसिपी के साथ, लेकिन पहले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक.